फाइनली बड़े इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर आ गई है बड़े बच्चन साहब यानी बिग बी और दीपिका पादुकोण की पीकू। वेल यस, जब हमने इन दो स्टार्स का नाम लिया है तो हम फिल्म के एक और इक्के यानी इरफान खान को कैसे भूल सकते हैं। द थ्री एसेस ऑफ एक्टिंग, बच्चन साहब, दीपिका पादुकोण और इरफान खान, दे हैव वर्क्ड ट्रेमेंडसली इन दिस फिल्म। फिल्म को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है ऑडियंस से, खासकर उसकी सिंप्लिसिटी के कारण। सुजीत सरकार की डायरेक्टेड इस फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, बल्कि हल्का फुल्का रोमांस है, कुछ हल्की सी कॉमेडी है, एक प्यारी सी स्टोरी लाइन है जिसमें बच्चन साहब अक्सर अपने मोशन और इमोशन में कंफ्यूज होते नजर आते हैं। पीकू जो उनकी बेटी है वो उन्हें संभालती नजर आती है और राणा यानी इरफान खान जो एक इंसिडेंट की वजह से दीपिका और बच्चन साहब की लाइफ में आते हैं, वो एक रोड ट्रिप के दौरान दीपिका को पसंद करने लगते हैं। उनकी केमिस्ट्री, उनकी एक दूसरे पर बढ़ती डिपेंडेंस इस फिल्म को बड़े आसानी से पहले हाफ से दूसरे हाफ तक ले जाती है और बहुत ही जल्द आप जब तक इसको एंजॉय करना शुरू करें ये फिल्म खत्म हो जाती है, दैट टू विदाउट एनी प्रॉपर एंडिंग। तो कुल मिलाकर ये फिल्म आपको रेगुलर बॉलीवुड मसाला फिल्मों की तरह नहीं लगेगी, बल्कि कम मसाले वाली बहुत टेस्टी बंगाली डिश जैसी जरूर लगने वाली है। तो आउट एंड आउट पीकू आपके 100 में से 85 रुपए बड़े आराम से वसूल करवा सकती है थिएटर में। यू कैन गो एंड वेरी इजीली वॉच दिस फिल्म पीकू।